तो साथियों पार्ट टू के अगर आप छात्र हैं, अगर रिजल्ट के लेकर काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इसमें पार्ट टू रिजल्ट के लेकर के बड़ी अपडेट हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर पार्ट टू का रिजल्ट कब होगा जारी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको हर एक चीज समझ में आ जाए और आप आकर के कुछ भी उल्टा पुल्टा कॉमेंट नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप लोग को पता है कि रिजल्ट जारी होती तो काफी शोर हो जाता। तो आखिर जारी नहीं हुई है तो कब होगी जारी? स्पष्ट हो गया है, हमने आपको स्पष्ट कर दिया है कि आपका रिजल्ट जो है जारी नहीं हुआ है। बात कर रहे हैं मिथिला यूनिवर्सिटी का तो जारी नहीं हुआ है, बाकी अगर भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी या पूर्णिया यूनिवर्सिटी या अदरवाइज अन्य यूनिवर्सिटी की अगर हम चर्चा करेंगे तो वहां पे पार्ट टू का रिजल्ट जो है जारी कर दी गई है, जिसका लिंक भी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप चेक कर सकते हैं। अगर आप मिथिला यूनिवर्सिटी के छात्र हैं या किसी भी यूनिवर्सिटी के छात्र हैं तो हम लगभग ऑल यूनिवर्सिटी का जानकारी देते रहते हैं। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाले हर एक अपडेट पर आपकी पूरी पकड़ हो। तो दोस्तों पार्ट टू रिजल्ट चेक करने के लिए चाहे मिथिला यूनिवर्सिटी में, सबसे पहले आपको केवल और केवल रोल नंबर मांगा जाता है। तो आप लोग का रिजल्ट जैसे ही जारी होगा तो सबसे पहले आपको रोल नंबर भरना होगा। अब रिजल्ट कैसे और कब जारी होगा और कहां से आप चेक कर पाएंगे, तो रिजल्ट कब जारी होगी इसकी लेकर की जो अपडेट आई है, इस अपडेट के अनुसार यहां पे बताया जा रहा है रिजल्ट जो है आपका वो आपका नवंबर में जारी होगा। इसके लेकर के कोई भी ऑफिशियल सूचना नहीं आया है, हालांकि सोशल मीडिया पर तहलका मचा हुआ है रिजल्ट के लेकर के, लेकिन ऐसी बात नहीं है। रिजल्ट जो आपका आने वाला है वो आगे आने वाला है, इस पर 60 दिनों के भीतर रिजल्ट हालांकि जारी किया जाना था जो नहीं हुआ है। तो यहाँ पर देखिए पूरी जानकारी है कि नवंबर की पहली सप्ताह में पार्ट टू का रिजल्ट होगा जारी। तो आप लोग को घबराना नहीं है, यहाँ से टेलीग्राम और व्हाट्सअप ज्वाइन कर लेना ताकि आपको अपडेट सब कुछ मिलता रहेगा। अब रिजल्ट की बात कर लेते हैं, तो रिजल्ट जो है पूरी तरह से आपका जो है नवंबर में जारी करने की पूरी प्लान है। 100% आपका रिजल्ट नवंबर में जारी कर दी जाएगी। 5 सितंबर तक मूल्यांकन का काम जो है पूरा कर लिया गया था। रिजल्ट जो है आप लोग का अक्टूबर के पहली सप्ताह में ही जारी होना था, जैसे कि यहाँ पे नीचे हम अपडेट बताई गई है और यहाँ पे पार्ट थ्री एडमिशन के लेकर के भी जानकारी है कि कैसे ऑनलाइन करना अप्लाई करना है, यहाँ पे प्रोसेस है, ये सारा वीडियो है, आप लोग देखकर समझ सकते हैं। यहाँ पे पार्ट टू का रिजल्ट कैसे चेक करना है इसके बारे में यहाँ पे कुछ अपडेट दी गई है, तो इसको आप समझ लेना है आप लोग को, और समझने के बाद नीचे आ जाना है। नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे पार्ट टू रिजल्ट चेक करने का लिंक है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये आ जाता है। इसमें अब आपको रोल नंबर यहाँ पे खटाखट अपना जो भी रोल नंबर है आप लोग को यहाँ पर आपको जो भी रोल नंबर है वो भर देना है, और भरने के बाद सर्च बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही सर्च क्लिक करेंगे तो आपका रिजल्ट स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं, जब रिजल्ट जारी हो जाएगा उसके बाद। तो रिजल्ट कैसे चेक करना है अभी आप कैसे पता कर सकते हैं, इसके लिए आपको गूगल पे आना है और सर्च करना है BSV गुरुजी MNC क्लासेस। जैसे आप इस बात को सर्च करेंगे ऐसा पेज ओपन होता है। अब आपको यहाँ आना है, यूनिवर्सिटी अपडेट पे क्लिक करना है, ठीक है करेंगे। जैसे यूनिवर्सिटी अपडेट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको इसमें क्या कर लेना है, यहाँ पे आएंगे तो पार्ट टू रिजल्ट से पहले ही जानकारी दी गई है, तो इस पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर इसमें जो बताई गई है ये तमाम जानकारी आपको दी जाएगी इस वीडियो में। तो यहाँ पर आकर के ये सारी जानकारी जो है आप देख सकते हैं, आराम से क्लिक करके इस पर क्लिक करके आराम से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है रिजल्ट के बारे में देख सकते हैं। ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, बाकी यूनिवर्सिटी का भी रिजल्ट जारी हुआ है जिसका लिंक नीचे दिया गया है, आप लोग आकर के चेक कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, आगे हम आपको और भी अपडेट देते रहेंगे, जैसे ही आती है रिजल्ट जारी होती है इसके बारे में हम आपको बता देंगे। धन्यवाद इस वीडियो को यहाँ तक देखने।